Happy birthday, Ajay sir! AJ! Bas, happy birthday and may he have an amazing year. I want more response. Dede response de. Itna sa nahi hoga, bahut sara chahiye. Hi guys, this is Akif Ali. You guys are watching Bollywood Tashan. Enjoy. Hi guys, main hu Amal Malik and you are watching Bollywood Tashan. मुझे तो अनबिलीवेबल लगा, इतनी क्रेजी रोलर कोस्टर राइड, और अजय सर को ऐसे रोल पे देख के बहुत मजा आया. एंड बस मैं बहुत खुश हूँ कि इस फिल्म में मेरे दो ओरिजिनल गाने हैं एंड बहुत जल्द आएंगे और आई होप एवरीवन लव्स दैम. ट्रेलर तो सुपर है. बस हैप्पी बर्थडे एंड मे ही हैव एन अमेजिंग ईयर, सुपर हेल्दी ईयर. और मैं चाहता हूँ कि वो ऐसी रेंज की फिल्में करते रहें एंड मैं उनका फ़ैन हूँ, मुझे उनकी एक्टिंग बहुत पसंद है एंड आई रियली होप this year was amazing for him. Trailers for you to see, it's a fun film. Enjoy the trailer and I hope you guys come and enjoy the film too. I want more response. दे response दे, इतना सा नहीं होगा, बहुत सारा चाहिए. ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा यूनिक ट्रेलर लगा. और ऐसी जो रोम कॉम्स होती है ना, वो फैमिली एंटरटेनर काइंड ऑफ होती है, तो आप पूरी फैमिली के साथ जाके देख सकते हो. खास करके अजय देवगन फर्स्ट टाइम कुछ ऐसे शफल करते हुए नजर आएंगे एक एक्ट्रेस से दूसरी एक्ट्रेस के बीच में. ये कॉन्सेप्ट जो है यूजली गोविंदा के लिए ज्यादा यूज किया जाता है, घर वाली और बाहर वाली, लेकिन अभी अजय देवगन को इसमें देखना बहुत एक्साइटिंग होगा. अफकोर्स स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट होगी क्योंकि हर फिल्म एक फिल्म से दूसरी फिल्म डिफरेंट ही होती है, ऐसा कहा तो जा रहा है, बाकी तो फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा. लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकते हो कि अजय देवगन को इस अंदाज में देखना बाकी दिलचस्प होगा, क्योंकि बहुत टाइम से अजय देवगन थोड़ी पेट्रियाटिक फिल्म और कॉप कॉमेडीज या कॉप ड्रामा ऐसा ही फिल्म कर रहे हैं, तो इतने टाइम बाद कॉमेडी में वापस देखना थोड़ा एक्साइटिंग होगा. हाँ, फिल्म अफकोर्स यूनिक है क्योंकि, और खास करके मैं तब्बू और अजय देवगन को एक साथ वापस देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि दोनों काफी बार एक साथ फिल्मों में नजर आ चुके हैं और उन दोनों की केमिस्ट्री अच्छी है. लेकिन रकुल प्रीत के साथ कितना एक्साइटिंग होगा वो भी देखना, काफी उसके लिए मैं काफी वेट कर रही हूँ. ये एक बहुत स्मार्ट मूव है, जिस तरीके से उन्होंने कंटेंट को ऐसा रखा है कि जो थोड़े एवरेज एज वाले लोग हैं वो भी देख सकते हैं और जो यूथ है वो भी कनेक्ट होगी, क्योंकि रकुल प्रीत है इसमें, तो दोनों एजेस को उन्होंने बखूबी मैनेज किया है. बहुत अच्छा लगा. हाँ, ये मूवी सभी टाइप्स की है, लाइक ये मूवी को मतलब फैमिली मूवी है. अजय देवगन इज फैबुलस, बहुत इंटरटेनिंग है, हमने बहुत इंटरटेन किया. ट्रेलर ही इतना अच्छा है तो मूवी कितना अच्छा आएगा. आई थिंक तब्बू के साथ बेस्ट केमिस्ट्री है. तब्बू अच्छा था, अजय देवगन एक नए रोल में, एक नए किरदार में, सेंस ऑफ ह्यूमर देवगन का देखने को मिला. और सबसे बड़ी बात है कि अजय देवगन और तब्बू काफ़ी दिनों के बाद नजर आएंगे बड़े पर्दे पर. बिल्कुल एंटरटेनिंग फिल्म है, ऐसा नहीं है कि कोई लिमिट क्रॉस किया गया है. बस ये है कि एक ओल्ड एज मैन और एक यंग गर्ल का जो लव स्टोरी है, जो रोमांस क्वेश्चन है, वो दिखाया गया है. बॉक्स ऑफिस पे कम से कम एवरेज तो जाएगी ये फिल्म, और अगर अजय देवगन के फैंस की मेहरबानी रही तो हिट भी हो सकती है. यूनिक स्टूडेंट ने बहुत बार एक्सपेरिमेंट हो चुका है, यूनिक नहीं कह सकते हैं. हाँ, लेकिन ये है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं. आउट ऑफ 5 स्टार्स, बहुत असम लग रहा है. कुछ अलग रोल है उनका इस फिल्म में, और थोड़ा फनी है और डिफरेंट है. आज तक जितने कैरेक्टर किए उनसे बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है ये. ट्रेलर बहुत अच्छा है, 150 करोड़ तक तो जाएगी फिल्म. गाने अमन मलिक ने गाने गाए हैं, तो गाने तो एक नंबर हो जाएगी. चले आना सॉन्ग आ रहा है. चलो, फैमिली एंटरटेनर फिल्म दिख रही है, पूरे फैमिली के साथ देखने का मजा आएगा. फिल्म अच्छी रहेगी, भगवान करे गाने भी अच्छे होने चाहिए, 200 करोड़ इजीली पास करेगी. ट्रेलर बहुत ही अच्छा था, लगता है 150 करोड़ से ऊपर कमाई गई. कोई भी उम्र हो तो इंसान अगर कुछ ठान लेता है तो मन में कोई भी कुछ भी कर सकता है, चाहे उम्र कितनी भी हो. बहुत शानदार ट्रेलर था. माय रिव्यू इज स्टार 5/5. अजय देवगन इस एक्टिंग इज वेरी डिफरेंट. मुझे ट्रेलर बहुत ही पसंद आया, इसमें 50 और 25 का जो एज डिफरेंस दिखाया गया है बहुत ही यूनिक है, बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है. अभी तक बॉलीवुड में बहुत ही कम फिल्में ऐसी तरह बनी है. होप करते हैं कि ये बहुत अच्छा करेगी बॉक्स ऑफिस. ट्रेलर काफ़ी इंटरटेनिंग है और मूवी भी बहुत इंटरटेनिंग होने वाली है. मुझे ट्रेलर देख के बहुत ही अच्छा लगा और फिल्म भी बहुत अच्छी चलेगी. मैं इसमें 5 में से 5 स्टार देता हूँ. ट्रेलर बहुत ही बढ़िया है. सबसे पहले मैं अजय सर को उनके बर्थडे पर विश करना चाहूँगा, हैप्पी बर्थडे. और ट्रेलर के पहले ही डायलॉग में देखो, अजय सर की उम्र के हिसाब से ट्रेलर और दोनों मतलब उम्र उसमें भी उनको 50 साल का दिखाया गया और आज भी उनके 50 साल कंप्लीट हुआ है. मतलब एक अलग ही लॉजिक है, 50 साल अजय सर के होने पर ये ट्रेलर आया है और बहुत ही बढ़िया ट्रेलर है.
ट्रेलर एकदम मतलब दिलचस्प है और फैमिली के साथ देख सकते हैं। और आज की जनरेशन के हिसाब से ट्रेलर है। एक तरफ अजय सर की शादीशुदा जीवन पे वो बाहर घूमने जाते हैं और राकुल प्रीत से उनको प्यार हो जाता है, और जिस तरह से मतलब उनका लुक आया है अजय सर का, मतलब माइंड ब्लोइंग है। फूल और कांटे की याद दिला देता है। और मुझे सबसे ज्यादा ट्रेलर में वो जो वो लिखाते हैं ना, वो सीन बहुत बढ़िया है। सन ऑफ सरदार और वो सब की याद दिला दिया। लव यू सर।